शांति, ओम शांति, ओम शांति। मूल्य के स्रोत प्यारे बाबा के सभी विशेष नैनों के नूर, बाबा के राइट हैंड, आज आप सबके बीच हम मूल्यों के द्वारा ब्राह्मण जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी अभी आपने गीत सुना, दिव्य गुणों की गुलदस्ता से जीवन महकने लगते हैं। जिसकी धारणा से जीवन ऊंचा बन जाता है, हम जिसको मूल्य कहते हैं। ब्राह्मण जीवन में सफलता पाने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि मूल्य किसे कहते हैं। मूल्य माना सद्गुण, या कहें विशेषताएं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति उच्च हो, श्रेष्ठ आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त हो, वो सद्गुण जिसे कहते हैं मूल्य। जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति रतन जड़ित ज्वेलर्स से, गहने से अपने को श्रृंगारते हैं, सजते हैं कोई, तो जैसे उसके व्यक्तित्व में एक निखार आ जाता है, उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाती है, सुंदर लगते हैं। उसके जीवन की भौतिक रीति से वैल्यू बढ़ जाती है और उसको मूल्यवान माने जाते हैं। इसी रीति ये मूल्य सद्गुण, या कहे दिव्य गुण, यदि हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन भी मूल्यवान हो जाता है, जीवन ऊंचा हो जाता है, जीवन चमकने लगते हैं और सबकी नज़रों में वो मूल्यवान हो जाते हैं। अपने आप के जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए बाबा ने हमें कहा है, बाबा रोज पढ़ाते हैं और कहते हैं सद्गुरों की धारणा करो, जिसके लिए बाबा रोज हमें पढ़ाते हैं, ईश्वरीय परवरिश करते हैं कि बच्चों के जीवन ऊंचा बन जाए। लेकिन हम पढ़ते तो हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं? आज घरों में बच्चों के लिए कहा जाता है, बच्चे मुन्ना ध्यान से पढ़ के आना, बेबी ध्यान से पढ़ के आना। आज टीचर ने क्या कहा? पढ़ाई तो करना, लेकिन ध्यान से पढ़ के आना। तो रोज हमको इतने ऊंचे से ऊंचे बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं और हमारा ये जीवन ऊंचा जीवन है, इससे ऊंचा और कुछ है ही नहीं। कल भी बाबा ने कहा, आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हो, ब्राह्मण से ऊंचा और कोई जात नहीं होता है,
ईश्वरीय कुल से ऊंचा और कोई है ही नहीं। तो इतने ऊंचे हम, ऊंचे कुल के हैं हम, और बाबा ऊंचते ऊंच बाबा हमको रोज पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाई में हमारा ध्यान कितना है? क्योंकि कल भी बाबा ने सबको पूछा, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य क्या है बताएंगे? हाँ, कल भी बाबा ने पूछा था, लक्ष्य क्या है? हाँ, बाप समान बनना, देवता बनना या लक्ष्मी नारायण बनना? कल बाबा ने कहा ना, राम बनने के लिए कोई नहीं हाथ उठाते, सब क्या बनना चाहते हैं? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न श्री लक्ष्मी श्री नारायण सूर्यवंशी में आना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं। तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? देवत्व को प्राप्त करना, दैवी गुणों को धारण करना। देवता बनने के लिए क्या चाहिए? दैवी गुण चाहिए। दैवी गुण के लिए पढ़ाई चाहिए। तो ज्ञान, पढ़ाई माना क्या है? ज्ञान। ज्ञान माना क्या है? समझ, स्पष्टता, क्लैरिटी। जैसे अभी लाइट यहाँ जल रही है, क्लैरिटी है कहाँ क्या है। लेकिन लाइट जलते हुए भी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो कोई कोई से टकरा सकते हैं, पैर सोफे में लग सकते हैं, कहीं भी ठोकर लग सकता है अगर हम ध्यान से नहीं चलेंगे तो। तो क्लैरिटी तो हो गई, लेकिन उसमें चाहिए ध्यान। तो ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन ध्यान हमारा किधर है? बच्चों को कहते ध्यान से पढ़ो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ऐसे देखा जाता है ज्ञान मार्ग में, अगर किसी से भी पूछेंगे आपका ब्राह्मण जीवन का एज कितना है, तो कहेंगे कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 और 20 साल। जैसे शारीरिक भौतिक जीवन में भी एज के अनुसार हर चीज परिवर्तन होता है, उसी रीति ज्ञान में भी जितना जितना हम पुराने बनते जाते हैं, तो जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, जो बाबा हमसे चाहते हैं, तो वैसा हम कर रहे हैं? उस रीति हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है? या यूं कहें, ज्ञान में तो 15 साल है, लेकिन जैसे 15 साल पहले थे वैसे ही अभी भी है। और हम लोगों को कहते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम देवता बनने वाले हैं, कथन ही तो हमारा ऐसा है, बोल तो हमारा ऐसा है, लेकिन करनी कर्म हमारा क्या कहता है? लोग बोल को नहीं, एक्शन को देखते हैं। तो हमारे कर्मों में, हमारे नैन चैन हर एक क्रियाकलाप में, जो भगवान पढ़ाते हैं, जो हमारा ऊंचा लक्ष्य है दिव्य गुणों को धारण करना, वो गुण हमारे कर्मों से दिखाई देता है? उसकी हम धारणा कर रहे हैं? ज्ञान तो सुन रहे हैं, लेकिन कैसे? जैसे एक उदाहरण के रूप में, कोई कोई पत्थर होता है, कहीं नदी में पत्थर होता है, 10 साल 15 साल से वो पत्थर नदी के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है, लेकिन आप उस पत्थर को बाहर निकाल के तोड़ के देखेंगे तो 15 साल पानी के अंदर रहने के बाद भी उस पत्थर को तोड़ के आप देखो तो उसमें पानी होता है? नहीं होता है। कहीं हमारा 15 साल 5 साल 20 साल इस संगम युग का महत्वपूर्ण समय, ब्राह्मण जीवन
ऐसे ही पत्थर की तरह तो नहीं हुआ है? ज्ञान सागर में डुबुलकी लगाते रहे, रोज मुरली सुनते रहे, लेकिन हमारे अंदर वो ज्ञान कितना समाया है। जैसे शराब पीने वाले होते हैं ना, बोतल को टेबल में रखने से ऐसे उसको नशा नहीं चढ़ता है, जो पीते हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं होता है, उसके नैन से, उसके चैन से वो चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, हर एक्शन से पता चलता है कि इसमें इसको नशा चढ़ा है। तो हमको भी ईश्वर पढ़ाता है, हम देवता बनने वाले हैं, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं। अगर ज्ञान हमारे अंदर है, समा गया है, तो हमारे एक एक एक्शन बताता है सच्ची में हम देवता बनने वाले हैं, सच्ची में इनको भगवान पढ़ाते हैं। तो अभी समय क्या है, कर गुजरने की है, बताने की नहीं, दिखाने की समय है। बाबा ऐसे ही चाहते हैं। तो हमारे जीवन के मूल्य को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक, मैं जो बचपन में जब स्कूल लाइफ स्कूल में पढ़ती थी, छोटी थी, तब एक लेसन आया था इस सिर का, खोपड़ी का मूल्य। नेपाली में ऐसे तो हम बाबा के बच्चे हैं, सभी सृष्टि के आदिकाल से सभी भारतवासी हैं। अभी बाबा कहते हैं हमारा ब्रह्मा कुमारियों का आइडेंटिटी मधुबन है, एड्रेस हमारा मधुबन है संगम युग का, लेकिन बाबा ने सेवा करने के लिए इस जन्म में ये ड्रेस और एड्रेस नेपाल का दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा हिंदी बोलते समय कुछ गड़बड़ी भी होती है, तो उस गड़बड़ी को छोड़ के मेरी भावनाओं को, शब्दों को मत लीजिएगा, भावनाओं को लीजिएगा। बचपन में हम पढ़ते थे, एक लेसन आता था उसमें नेपाली में कहते टाउको को मूल्य, टाउको माना सिर होता है, तो उसका मूल्य, तो मूल्यवान सिर किसका है? उस समय पढ़ते थे तो समझ में नहीं आया, पढ़ लिया, लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान में आए, बाबा की ज्ञान सुनने लगे, अब वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो आपको हम सुनाते हैं। एक अघोरी था एक राज्य में, जो मुर्दा मरे हुए इंसान का सिर जिसको खोपड़ी कहते हैं, वो तीन खोपड़ी लेके उस राज्य में, एक राज्य में प्रवेश करता है, और वो हर कोई को अपने थैले से उस खोपड़ी को निकालकर कहता है, तीन खोपड़ी दिखाता है और कहता है इस खोपड़ी का मूल्य 1 रुपया है और दूसरे खोपड़ी का मूल्य है 1,000 और तीसरे खोपड़ी का मूल्य है 1,00,000 रुपया। तो लोग जहाँ भीड़ होता है वहाँ जाकर वो ऐसा कहता है, तो लोग देखते हैं खोपड़ी तो तीनों ही एक जैसे हैं, फिर क्यों इसका 1 रुपया, इसका 1,000, इसका 1,00,000, ये कारण क्या है? वो कहता है पहले आपको खोपड़ी खरीदना पड़ेगा, मेरे को पैसा देना पड़ेगा, तब मैं बताऊंगा इसका मूल्य इतना क्यों है। और अब हर कोई साधारण व्यक्ति तो 1,00,000 रुपया का खोपड़ी क्यों खरीदेगा, और खरीदेगा तो भी क्या करेगा, क्यों खरीदेंगे, चलो हमको नहीं समझना है, ऐसे लोग देखते थे और आगे बढ़ जाते थे। ऐसे करते करते कई शहरों में वो गया, वो बात उस राज्य के राजा के पास चला गया, और राजा को उत्सुकता हुई आखिर वो खोपड़ी क्या है, क्यों 1 खोपड़ी का 1,00,000 कोई 1,000 और 1 रुपया, उनके पास धन की कोई कमी नहीं, उनको उत्सुकता है हुई, तो उन्होंने बुला लिया उस व्यक्ति को, चलो उस अघोरी को बुलाओ, हम समझना चाहते हैं। तो राजा ने उसको बुलाया और आया,
फिर अगौर ने वही बात कहा कि आपको पहले खोपड़ी को खरीदना है। तो राजा ने उस शर्त को स्वीकार किया। अच्छा पहले 1 रुपया की वो खोपड़ी दो मेरे को, पैसे दिया और खोपड़ी निकाला। उस आदमी ने खोपड़ी के साथ साथ एक सिंक निकाला लकड़ी का पतला सा, और उस खोपड़ी को आगे लाके उस सिंक से उस खोपड़ी के कानों में डाला। तो डाला वो सिंक अंदर नहीं गया, वहीं टूट गया, बाहर ही बाहर गिर गया। तो कहा इसका 1 रुपया है, ये लीजिए आपका, हमको पैसे दीजिए। फिर राजा ने कहा, फिर राजा के पास, राजा ने हुक्म किया दूसरा खोपड़ी निकालो। तो खोपड़ी निकाला, फिर वो सिंक निकाला, फिर उसमें कानों में डाला, तो वो जो है एक कान से डाला दूसरे कान से निकल गया। तो उसका मूल्य उन्होंने बताया 1000 रुपया, वो भी राजा ने लिया। फिर तीसरा खोपड़ी निकाला, फिर उसने उसी रीति सिंक डाला, तो पता है वो कहाँ गया, किधर गया होगा, हाँ ऊपर से निकला, किधर गया, हाँ तो एक तो इधर से गया ही नहीं, जिस कान से डाला उसी में से निकला, दूसरा था गया दूसरे कान से निकला, तीसरा था अंदर गया वहीं समा गया, ऊपर से नहीं निकला समा गया। तो इसका मतलब समझते हैं? तो जो सिंह समा गया उस सिर का मूल्य था 1 लाख रुपया। तो अब बताइए हमारा सिर का मूल्य कितना है? हमारा सिर का मूल्य तो लाखों से भी ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो कहने का भाव क्या है, बाबा की जो हम मुरली सुनते हैं, इधर से सुने ध्यान नहीं है मुरली में, वो अंदर गया ही नहीं, जिस कान से डाले जिस कान से सुने उधर ही क्लास में छोड़ के चले गए, है ना? इधर से सुने इधर ही गया, अंदर नहीं गया। तो उस जीवन का या उस खोपड़ी का या उस सिर का मूल्य है 1 रुपया। दूसरा, जो इस कान से डालते कम से कम अंदर तो जाता है लेकिन फिर इधर से निकल जाता है, उस सिर का मूल्य है 1000 रुपया। बाकी लाख रुपये माना लाखों रुपयों का मूल्य वाला सिर या जीवन उसका कहा जाएगा जो बाबा की ज्ञानों को सुनकर जीवन में समाते हैं। जीवन में जिसका समाते हैं वो कहते नहीं, करके दिखाते हैं। जिसके एक एक कर्मों से सद्गुण दिखाई देता है, मूल्य दिखाई देता है, उसका जीवन ही मूल्यवान होता है। तो इसीलिए देखो सद्गुण में, तो अब हमको देखना है हमारा जीवन का मूल्य लाख तो क्या, वो खोपड़ी का मूल्य लाख था, लेकिन हमारा जीवन का मूल्य तो लाखों रुपयों का, करोड़ रुपया का होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि जिसकी पालना, जिसका जन्म धर्म स्थापना अर्थ हुआ है, सतयुग के स्थापना अर्थ हुआ है, जिसके लिए भगवान ने हमें निमित्त बनाया है, तो सतयुग कैसे आएगा? सद्गुण की धारणा से। तो बाबा सद्गुण की धारणा के लिए पढ़ाते हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान लाइट है, योग माइट है, शक्ति। ज्ञान सुनते हैं समझते हैं, फिर धारण करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, क्योंकि आत्मा कमजोर है। तो मेडिटेशन योग से शक्ति मिलती है। तो ज्ञान और योग के आधार से हमारा जीवन धारणा मूर्त हो जाता है। जब जीवन मूल्यों से सद्गुणों से युक्त हो जाता है तो एक एक अंग से एक्शन से सेवा हो जाती है, सेवा मूर्त हो जाता है, है ना? तो अब देखिए दिव्य गुण कई प्रकार के हैं। बाबा जैसे गुणों का भंडार है, गुणों का सागर है, तो बाबा भी हम बच्चों को मास्टर गुणों का सागर के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसा बनाते हैं। तो गुण कई प्रकार के, अभी आप गीत सुन रहे थे, अंतर्मुखी सदा सुखी, जो हर्षित रहता है वो सबको आकर्षित करता है। मुरझाया हुआ चेहरा किसको अच्छा लगता है? मुरझाया हुआ फूल तो
देवी देवताओं को भी नहीं चढ़ता है, जड़ मूर्तियों के ऊपर नहीं चढ़ता है, बासी फूल मुरझाया फूल नहीं चढ़ता है, तो चैतन्य को क्या चढ़ेगा? तो चैतन्य खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है। कहते हैं ना, जन्मते हैं पैदा होते तो रोते हुए पैदा होते हैं, मरना है तो हंसते हुए। तो उसके लिए अंत मतिश्व गति जो बाबा कहते हैं, हंसते हुए मरने के लिए जीवन भर क्या करना पड़ेगा? हंसना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। हर्षित चेहरा सबको अच्छा लगता है। आपकी एक मुस्कुराहट से किसी की स्ट्रेस खत्म हो जाता है। कोई तनाव में आया हो, आपको मुस्कुराता हुआ देखेंगे, वो अपना तनाव भूल जाएगा। जब कभी आपको कोई याद करे तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने आए। देखो, लौकिक परिवार में भी ऐसे तो बाबा कहते हैं, जो लौकिक में रहते हैं उसको बाबा कहते हैं, प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चे को मेरा सो केस के सो पीस है। सो पीस जानते हैं क्या होता है? हाँ, दुकानदार है चाहे ज्वेलर्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, सो केस में अच्छे अच्छे चीजों को सो पीस के रूप में रखते हैं, जिसको देखकर ग्राहक आकर्षित होते हैं। तो बाबा की इस दुकान के जो प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चे हैं तो सब क्या है, सो पीस है। अगर सो पीस अच्छा नहीं है, धूल चढ़ा होगा, तो लोगों को आकर्षित कर सकेंगे नहीं। तो धूल क्या है, धूल क्या है, पुराना स्वभाव संस्कार ही धूल है। 15 साल पहले भी वैसे, 20 साल पहले भी जैसे थे वैसे ही, परिवर्तन कुछ नहीं, तो लोग वही कहेंगे, बातें तो बहुत ऊंची ऊंची है लेकिन जीवन क्या है, कुछ नहीं है। इसीलिए सो पीस को, सो केस के सो पीस को, सो पीस बनकर रहना है ना। तो अभी बात चल रही थी ना हर्षित मुक्ता की, सदा मुस्कुराता हुआ। एक बार एक घटना है, क्लिनिक में जैसे डॉक्टर को दिखाना होता है, कई पेशेंट क्यू में रहते हैं, अपना नाम पहले लिखवाते हैं, कोई बाद में लिखवाते हैं। इसी रीति एक क्लिनिक में सब पेशेंट इंतजार कर रहे थे डॉक्टर की बुलावा को। तो उतने में एक पेशेंट आ गया, लोग बहुत इंतजार करके चेयर पर बैठे हुए थे पहले से। बीच में अचानक से एक पेशेंट आ जाते हैं और वो बिना इंतजार के अंदर चले जाते हैं। तो एक अधेड़ आदमी था, उसको बहुत गुस्सा आता है। जैसे वो अंदर जाते हैं, जो गेट में बैठते हैं उससे और जैसे एकदम क्रोध में आके, आवेश में आके उसके कलर पकड़ने लगता है। ऐसा माहौल हो जाता है, जैसे लड़ने का माहौल हो जाता है, लड़ाई झगड़ा का। तो सब उसको, दोनों को पकड़ के अलग करते हैं, गर्मा गर्म माहौल है, बहुत गुस्सा करते ना, क्या क्या बोलते रहते हैं। तो जो भी हो, थोड़े समय के बाद गर्मा गर्म माहौल तो था ही, थोड़े देर शांत, जैसे गर्मा गर्म माहौल के बाद सन्नाटा होता है ना, ऐसा ही हो गया, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। उसमें अचानक एक लेडी अपने 6-7 मास का बहुत अच्छा नन्ना सा बच्चा लेके उस क्लिनिक के अंदर, वही जहाँ सब लोग बैठे थे वहाँ एक लेडी आती है, उसके साथ में गोदी में बच्चा होता है। बच्चा आके जैसे ही बैठता है, सबका चेहरा देखता है, और देखते देखते जो आग बबूला हुए थे, क्रोध में आए थे ना अधेड़ जो व्यक्ति था, उसका तो तांबे की तरह भयानक चेहरा था, मोच भी था उसका और भयानक लग रहा था। तो उसको देख के वो बच्चा देखते देखते मुस्कुराता है। अब वो बच्चे को जब मुस्कुराते हुए लोग देखते हैं, और जितने भी वहाँ पेशेंट बैठे थे उसको भी मुस्कुराने का मन होता है, लेकिन वो डरते हैं, वो आदमी जो बैठा है अभी वो उनके ऊपर क्रोध न करे, इसीलिए मुंह ढक के अपने मुस्कुराहट को लोग रोकते हैं। और वो आदमी भी, बच्चे उसी आदमी को देखते रहते,
और आदमी का भी नज़र उस बच्चे के तरफ जाता है तो देखता है वो बच्चा मुस्कुरा देता है, पता नहीं बच्चे को क्या लगता है, उसको देख के मुस्कुराता है। फिर वो आदमी नज़र बचा के दूसरे तरफ देखता है, क्योंकि वो हंस तो नहीं सकता ना, है ना, फिर दूसरे तरफ देखता है। फिर धीरे धीरे फिर इधर उधर करते करते वो बच्चा मुस्कुराता है, फिर वो आदमी और वो बच्चे का नज़र फिर जुड़ जाता है, फिर वो हंसता है, फिर वो अपने को रोकता है। तीसरे बारी में वो बच्चे खूब खग्गिया मार के उस आदमी को देख के मुस्कुराता हंसता है, तो अब वो आदमी भी रोक नहीं पाता है। उस बच्चे को देख के, मुस्कुराहट को देख के वो आदमी, उनका सारा क्रोध शांत होता है और वो बहुत अच्छी रीति से मुस्कुराने लगता है, हंसता है जोर से। तो जब वो आदमी हंसता है बच्चे के मुस्कुराहट को देख के, वहाँ जितने भी लोग सहमे हुए बैठे थे ना, सब हंसने लगते हैं। तो जैसे एक बच्चे की मुस्कुराहट से वहाँ का गर्मा गर्म वातावरण पल भर में खत्म हो गया, वो आदमी भी हंसने लगे, बच्चे भी हंसने लगे, सब हंसने लगे। तो मुस्कुराहट क्या कहती है? मुस्कुराहट सबको मुस्कुराना सिखाती है। तो हर्षित मुक्ता भी एक क्या है? गुण है ना? तो कहते हैं इसी रीति संतुष्टता है, सहनशीलता है। सहनशीलता तो ज्ञानी आत्मा का मुख्य गुण है। कहते हैं ना, सहन करना सीखो तो बंदे सहनशाह बनोगे। हम तो सहनशाह बनने आए हैं ना, ऐसे ही बन जाएंगे। देखो, आज अपने जीवन को सिंघारने के लोग जो भी गहने पहनते हैं, ऐसे सोने के गहने, ऐसे हीरे जो मिलता है, ऐसे लटका के चलेंगे ना, लोग कहेंगे ये पागल है, सोना दिखाने के लिए देखो कैसे लटका के चल रहे हैं। लेकिन उस सोने को सुनार के पास जाता है, सुनार आग में डालता है, तराशते हैं, ठोकाई करते हैं, रगड़ते हैं, तेजाब में डालते हैं, क्या क्या सोने को सहन करना पड़ता है, तो वो बहुत अच्छा हार बनता है, गहना बनता है। तो वो लोग पहनते हैं तो वाह कितना अच्छा है, सबकी नज़र उसके तरफ जाता है। हीरा है, हीरा को कहते जितना तराशते हैं उतना उसमें चमक आता है। तो हम बाबा के बच्चे बन गए, हमारे जीवन में भी कई जन्मों के हिसाब किताब के कारण, इस जन्म के, कई जन्म के, कई बातें हमारे आगे आगे ऊपर नीचे कई बातें आती है, लेकिन उसको भी सहज रीति से क्या समझना चाहिए, हम देवता बन रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं ठाकुर बनने के लिए। मेरे को और एक दृष्टांत याद आता है, क्योंकि ये राजस्थान है, यहाँ मार्बल बहुत मिलता है, यहाँ से नेपाल में भी बहुत मार्बल जाता है। तो ऐसे एक मंदिर बनाने के लिए मार्बल, मूर्ति भी मार्बल की थी और कुछ टाइल्स मार्बल का था, ट्रक में जा रहे थे। एक मंदिर बन रही थी जिसमें मूर्ति भी सजना था और टाइल्स भी लगना था, वो जा रहे थे तो उनका आपस में बात होता है। मार्बल जो टाइल्स है वो कहते हैं मूर्ति को, आप और हम एक ही बिरादरी के हैं, आप भी मार्बल हो हम भी एक ही खानी से निकले हैं, एक ही बिरादरी के हैं, लेकिन फिर भी फर्क है। क्या फर्क है? आप और हम जा भी एक ही जगह रहे हैं, लेकिन फिर भी फर्क है। क्या फर्क है? आप मंदिर में सजेंगे, आपको सब माथा लगाएंगे और हमको सब पैर लगाएंगे, यह अंतर है। तो मूर्ति ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कहा हाँ, हम एक ही खानी के हैं, एक ही ने हमको तराशा है, एक ही जगह पर हम सजने जा रहे हैं, लेकिन अंतर यह है मेरे भाई कि जब मूर्ति बनाए जा रहे थे तो मैंने उस चोट को सहा, तराशे जा रहे थे तो मैंने उसको सहा, चुपचाप रहकर सब सहकर, कुछ भी चिल्लाया नहीं, मैं टूटा नहीं, तो मैं पूरा मूर्ति बन गया, जिस वजह से लोग मुझे सभी माथे लगाएंगे और आप ज़्यादा चिल्लाए, आप सहन नहीं कर पाए, आप टूट गए, इसीलिए आप मूर्ति नहीं बन पाए, लेकिन आपको भी लोग माथा लगाएंगे, वहाँ लगाएंगे जहाँ चप्पल उतार कर,
जैसे मंदिर के आगे होता है ना टाइल्स लगा होता है, तो जो सीढ़ियाँ होती है एक एक स्टेप चढ़ते जाते, ऊपर की जो सीढ़ी होती है उसमें चप्पल उतार के ऊपर जब चढ़ते हैं तो माथा लगाते हैं लेकिन फिर पैर से कुचलते हैं। आपको भी माथा लगाएंगे लेकिन आपके ऊपर पैर लगेगा। तो ये इसका मतलब क्या है? ये पुरुषार्थ और सहन है ना, जिसने सहन किया है ना, ऐसा सहन शक्ति भी है और सहनशीलता एक गुण भी है। जिसने उसको जीवन में धारण किया तो मूरत बन गए। हम सुनते हैं बाबा हमको मुरली में रोज कहते हैं, कई महान आत्माओं ने, धर्म आत्माओं ने कितना सहा। शालिग्राम देखो, पत्थर अभी भी हम देखते हैं ज्ञान सरोवर में, किचन के आगे बहुत सुंदर सुंदर पत्थर लगा हुआ है अंडाकार, जिसमें पानी बहती है, झरना है। मैंने भाइयों से पूछा ये कहाँ से है, तो कहा हरिद्वार के है। हरिद्वार से आके भगवान के घर को श्रृंगार कर रहे हैं। पत्थर तो यहाँ भी बहुत है, हर जगह है, लेकिन उसकी इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो पत्थर का कहीं भी नुकीला जो टेढ़े मेढ़े चीज है ना, वो कुछ भी नहीं है, अंडाकार है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि कई पहाड़ों से, कंधारों से, पानी के भेल से उसको रगड़ रगड़ के, इधर से उधर, उधर से इधर, करते 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 वो एकदम अंडाकार हो गए। शालिग्राम भी तो एक पत्थर है, वो भी ठोकर खा खा के उसका नुकीला, जो नुकीलापन होता है, वो सब रगड़ गए, अंडाकार बन गए, इसीलिए वो पूजनीय हो गए, उसकी वैल्यू हो गई, है ना। तो ऐसे बाबा कहते जो भी बातें आती है, जो भी हमारे आगे परीक्षाएं आती है, तूफान क्या देता है? तोहफा देता है। तूफान ही, परीक्षाएं ही, कई परिस्थितियां ही हमारे जीवन में निखार लाता है और अनुभवी बनाता है। इसलिए इससे घबराना नहीं है, कभी भी धैर्यता को भी नहीं छोड़ना है। जैसे किसी तालाब में पत्थर डालेंगे तो उसमें क्या आता है, तरंग, वेव्स, जैसे तरंग आता है ना, गोल गोल गोल, राउंडिंग राउंडिंग। तो उस समय अगर हम तालाब के नीचे की चीज को देखना चाहेंगे तो दिखाई नहीं देगा। देखने के लिए थोड़ा देर धैर्यता रखनी होगी, पेशेंस रखनी होगी। तो थोड़ा देर धैर्यता रखेंगे तो वो पानी शांत हो जाएगा, क्लियर दिखाई देगा। इसी रीति बाबा कहते हैं जो होता है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है, जो हो गया वो भी अच्छा हो गया। तो अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है। अभी दिखने में कोई दृश्य आता है, हमारे आगे भयंकर परिस्थिति आती है, हमारे में धैर्यता की शक्ति नहीं होगी तो बहुत नुकसान होगी। जैसे कोई आपके आगे रिवाल्वर लेके आ जाए किसी की बात को सुनकर आपको मारने के लिए, और आप घबरा जाए और आप गुस्सा करने लगे या अकड़ के बोलने लगे तो क्या हो जाएगा? वो क्रोधी व्यक्ति के आगे इस तरह से पेश आएंगे तो सेकंड में आपका जीवन लीला समाप्त, सारे प्रॉपर्टी खत्म। अगर उसमें हम धैर्यता रखते हैं, संतुलित विचार होता है, फिर नम्र भाव से जो भी हम पेश आते हैं तो हमारा जीवन बचता है, बड़े बड़े घटनाएं घटने से बच जाते हैं, समस्या खत्म हो जाती है। कहते हैं ना, नम्रता भी एक गुण है। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। तो जिंदा जो है उसमें लचकता होनी चाहिए। जो अकड़ने का संस्कार है कभी किसी का दिल नहीं जीत सकता। इसीलिए जो झुकता है वो विश्व को झुकाता है। झुकना माना झुकाना। हमारी दादियाँ क्या कहती है, झुक झुक, सीख सीख, मर मर, झुको सीखो और मरना ही है तो ऐसा मुर्दा बन जाओ। मुर्दा को दर्द होता है क्या? दर्द होता है? मुर्दा के आगे कोई आके गाली देगा तो वो कोई रिएक्ट दिखाएगा?
एक्शन दिखाएगा, नहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मरना है तो ऐसे मर जाओ, मर जीवा कहते हैं ना, जीते जी मरो, इस रीति से मरो, कोई कुछ भी कहे फर्क न पड़े, है ना। इसीलिए धैर्यता भी जीवन में बहुत आवश्यकता है, ये सब दिव्य गुण है। और मधुरता, सरलता है, मधुरता है। मधुरता किस में आती है? जिसमें प्रेम होता है। जिसके अंदर प्रेम होगा तो उसमें मधुरता आएगी। तो प्रेम किस में आएगी? जहाँ निस्वार्थ भावना होगा, निस्वार्थता होगा तो वहाँ प्रेम की भावना आएगी। और निस्वार्थता कब आएगी? जब कल्याण की भावना होगी। कल्याण की भावना जब होता है तो स्वार्थ खत्म, कोई स्वार्थ नहीं। दुनिया में स्वार्थ के बिगैर कोई कार्य करना ही नहीं है। कुछ भी करना है तो हमको क्या फायदा होता है? कल भी बाबा ने कहा, लेवता बन जाते हैं बच्चे। देवता माना दाता। हम सोचते हैं कि वो बदले तो मैं बदलूं, वो करे तो मैं करूं, ये क्या है? ये लेवता है। हम लेवता तो बन चुके, अब हमें क्या बनना है? ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? देवता बनना। इसलिए कोई शर्त नहीं है ना, कोई स्वार्थ नहीं। तो निस्वार्थपना तब आएगी जब हमारे अंदर कल्याण करने की भावना होगी। और निस्वार्थ हम कुछ देते हैं, करते हैं, तो उसका रिटर्न कई मल्टीप्लाई होकर हमें मिलता है, जिससे हमारा जीवन चमकने लगता है, हमारे मस्तक चमकने लगता है, वो खुशियां चेहरे में आने लगता है। और बाबा ने कहा, कल्याण की भावना तब आएगी जब कल्याणकारी बाप से हमारा बुद्धि योग जुटा होगा। हम किसके बच्चे हैं? हम किसके बच्चे हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव माना कल्याणकारी, सदा सर्वदा कल्याण करने वाले, तो उसके हम बच्चे हैं। तो उनसे हमारा बुद्धि योग जुटा रहेगा तो हम कल्याण कर सकेंगे। तो सारे जितने भी सद्गुण हैं, मूल्य हैं, सब एक आपस में जुटे हुए हैं। हमारे आत्मा में भी तो सात गुण है ना। हमें शतोप्रधान बनना है, शतोप्रधान, सात्विक, सातों गुणों में 100% बनना है, तो क्या हो गए? शतप्रधान आत्मा। तो जितना आत्मा का रियलाइज करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो अंतर्निहित जो शक्ति है वो जागृत होगी, हमारी वैल्यूज बढ़ती जाएगी। कल्याणकारी बाप को सदा साथ में रखना और अपने आत्मा की अनुभूति करना, जिससे आत्मा की जो गुण है वो दिन रात बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जितना हम गुणवान बनते जाएंगे, हमें स्वतः सबके प्यार मिलेगा, दुआ मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो कभी भी किसी की दोष को नहीं देखना, अवगुणों को नहीं देखना, क्योंकि 63 जन्म के अवगुण तो हमारे अंदर ऐसे ही है। आज तक हम सब दूसरों को ही देखते आए, लेकिन अब ये संगम का जो समय है उसको ऐसे ही नहीं गंवाना है, अपने आप को देखना है। खुद को देखो और खुदा को देखो तो ये समय सफल होगा। खुद को देखो और खुदा के मैं बच्चे खुदा जैसा हूं, खुदा को देखो, खुदा कैसे है। तो इसीलिए लोग कहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, 100 वर्ष का संगम युग है। हम हाथों से गिनती करते हैं, अभी 80वां शिवरात्रि मनाए तो अभी 80 साल बीत गए, अब 20 साल बाकी है। हम कहते इस भ्रम में मत पड़ो, मेरे को लगता है हाँ हिसाब से 20 साल है, लेकिन आपके लिए क्या 20 साल है? है किसी के लिए 20 साल है तो हाथ उठाए। है क्यों नहीं उठा पा रहे? क्योंकि किसी को गारंटी नहीं 20 साल से पहले चले जाएंगे तो हो सकता है कोई 10 साल के अंदर चला जाए, कोई 5 साल के अंदर चला जाए।
कोई अभी 6 मास 3 दिन के अंदर चला जाए। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, मम्मा कहती थी ना, हमारी दीदी कहती थी हर घड़ी है ना अंतिम, नहीं मम्मा कहती थी हर घड़ी अंतिम है, दीदी कहती अब घर जाना है ना। तो वो जो बड़ों ने हमें सिखाया अब घर जाना है, हर घड़ी अंतिम है, किसी भी घड़ी अंतिम हो सकता है। तो अगर हम 6 मास के बाद जा रहे हैं तो हमारे लिए संगमयुग कितना हुआ, कितना हुआ, 6 मास हुआ। इसलिए इस भ्रम में मत पड़िए, ज्ञान तो है, ध्यान कहाँ है, थोड़ा चिंतन करिए, ध्यान लगा के ज्ञान सुनिए, है ना। बाबा कहते किसी के भी अंतिम समय आ सकता है, इसीलिए 20 साल है ये भ्रम में मत पड़िए। हो सकता है हमारा, हमारे लिए 5 साल हो, हमारे लिए 3 साल हो संगम युग, हमारे लिए 10 साल हो, किसी का 6 मास हो। इसीलिए जो है वर्तमान उसको आप पकड़ो, पास्ट का चिंता, भविष्य का चिंता मत करो, पास्ट को याद मत करो। बीती सो बीती, बीती को चितो नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसको चिंतन करके वर्तमान को खराब मत करो। कई लोग 10 साल पहले की बातें लेके अभी रोने लगते हैं, अभी ठीक है इसको ऐसे खट्टा बना देते हैं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए वर्तमान हमारा अच्छा होगा तो भविष्य हमारा अच्छा होगा। तो हमें क्या करना है, हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, सद्गुण को धारण करना, देवत्व को प्राप्त करना, देवता बनना, इसके लिए सभी गुणवान, हर कोई के गुण है बच्चों में, हर एक में गुण है। बाबा कहते हैं ना, अगर 99 अवगुण है तो भी एक गुण है जिसके कारण बाबा ने उनको चुना। आप हम सबको बाबा ने चुना अपने कार्य में, भगवान ने चुना, सबसे महान हस्ती सर्वोच्च शक्ति ने इतने बड़े कार्य के लिए चुना। तो जिन आत्माओं को चुना उसमें कुछ तो गुण है, तभी भगवान ने उसको देखा उस गुण को। अगर हम किसी के जीवन में दोष लगाते हैं तो उनको दोष नहीं देते, हम भगवान को दोष देते हैं। क्या भगवान की दृष्टि गलत हो सकती है? अगर किसी में हम कमियां देखते, दोष देखते, दोष दृष्टि हमारी होती है तो क्या है, भगवान के नजर दृष्टि को हम दोष दे रहे हैं। इसलिए हम हमेशा देखते कि इनमें क्या गुण है। बाबा ने कैसा भी संस्कार वाला आत्मा होगा, 99 ऐसे आत्मा होते हैं जो बहुत किसी को तकलीफ देते अपने संस्कारों से, तो भी हम सोचते बाबा ने इसमें क्या देखा जो हम नहीं देख पा रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे देखने की कोशिश करते तो दिखाई देता है, वो गुण पकड़ में आता है और उस गुण को सेवा में लगा के उस आत्मा को शक्तिशाली बना देते हैं, जिससे हमें भी शक्ति मिलती, वो उसको भी शक्ति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। एक गुण पकड़ में आए, वो सेवा करने लगे, उसमें सारे गुण आने लगते हैं फिर, है ना। तो इसीलिए कभी भी किसी का दोष नहीं देखना, अगर दोष देखेंगे तो क्या बन जाएंगे पता है, दुष्ट बन जाएंगे। दुष्ट अच्छा लगता है किसी को? हाँ, इष्ट अच्छा लगता है, इष्ट अच्छा लगता है, इष्ट सबको प्रिय है। इष्ट किसको कहेंगे, जिसमें दिव्य गुण है, जो दोष रहित है, देवी देवताएं जो हैं जिनके जीवन में कोई दोष नहीं है, शिव बाबा है दोष रहित है, तभी तो वो सबको अच्छे लगते हैं। तो जैसे बाबा है ऐसे हमें बनना है ना। तो दोष दृष्टि आज से खत्म। अगर इष्ट बनना है, दोष अवगुण को ही देखते रहेंगे तो दुष्ट बन जाएंगे, दुष्ट किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर इष्ट बनना है तो गुणों को देखना है और गुणों के सागर को देखना है, एक एक से गुण लेके। आज हम देखते हैं, आज दुनिया में दौड़ लगा हुआ है, दुनिया ये भौतिक दुनिया में भौतिक चीजें जो भी लोग प्राप्त करना चाहते हैं ना, क्वालिटीज वाले चाहते हैं, क्वालिटी वाले। टीवी लाएंगे
तो क्वालिटी वाले मोबाइल चलाएंगे तो सस्ता नहीं, भले महंगा हो क्वालिटी वाले चाहिए, है ना। कपड़े पहनेंगे क्वालिटी वाले, मकान हर चीज़, गाड़ी चाहिए क्वालिटी। आज दौड़ हो रहा है, आज ये लाया कल और महंगा लाएंगे, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, क्योंकि अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए, भौतिक दुनिया में वैल्यू बढ़ाने के लिए वैल्यूबल चीज खरीदना चाहते हैं। उसके लिए भले कुछ भी करना पड़े, पैसा नहीं भी होगा ना उसके ख्वाब होगा, पैसा कमाएंगे और ये लाएंगे। तो हमें, हम सबको क्वालिटी वाली चीज चाहिए, तो बाबा को भी कैसे बच्चे चाहिए। आप भले मुस्कुराना नहीं जानेंगे, लेकिन दूसरे मुस्कुराएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लगेगा हाँ, लगता है ना। आप क्षमा करना नहीं चाहेंगे, नहीं जानेंगे, लेकिन हम सोचते वो हमारे गलतियों को क्षमा कर दे, किसी के आगे वर्णन न करे, हम ये चाहेंगे ना। हम खुद करना नहीं जानते, लेकिन दूसरों से हम ये अपेक्षा करते हैं, हमें सम्मान दे, हमारे ऊपर सद्भावना रखे। तो हम लोगों से क्या चाहते हैं वही हमको करना है ना। और इतना सहज है ना, लोगों से हम क्या चाहते हैं वो हमें करके दिखाना है। बाबा भी यही चाहता है। तो अब हम बहुत भौतिकता के पीछे भागे, अब बाबा कहते अपनी अंदर की सुंदरता को बढ़ाओ, अपनी इस अलौकिक जीवन की वैल्यू को बढ़ाओ, मूल्य को बढ़ाओ, तो ये जीवन मूल्यवान तब होगा। कब होगा? हाँ, जब गुणों से जीवन को सजाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आज से, मैंने कहा ना, ज्ञान सुन रहे, मुरली सुन रहे, सुन रहे, मैंने बताया उस खोपड़े की तरह ना हो जो इधर से सुने इधर से गए, ऐसा नहीं। या इधर से सुने, रोज नेमीनाथ की तरह मुरली तो सुन रहे हैं, इधर से सुन रहे, इधर से उड़ा रहे हैं, 10 साल के बाद भी वही, 15 साल के बाद भी वही, तो क्या हो गया, है ना, वो नेमीनाथ हो गए। इसीलिए अब क्या करना है, ध्यान से सुन के उसको जीवन में समा जाना है, ठीक है। बाबा को, हमें बाबा को क्या करना है, लोगों के बीच में प्रत्यक्ष करना है, अपने कर्मों से, हमारे मस्तक से, हमारे नयन से, हमारी चलन से। तो आज से अपने जीवन का मूल्य बढ़ाएंगे, जो बढ़ाएंगे हाथ उठाइए, पक्का पक्का, बाबा ऊपर से देख रहे हैं, ये सब मेरे मूल्यवान बच्चे हैं, सच्ची में मूल्यवान बन जाएंगे अभी, बाबा यही चाहता है। तो हम ब्राह्मण जीवन के लक्ष्य देवत्व को प्राप्त करना और सद्गुणों को धारण करके सत्कर्मों से सत्य बाप को प्रत्यक्ष करना और सतयुग की स्थापना करना, यही ब्राह्मण जीवन की सफलता है, ठीक है ना। तो जितना सद्गुण हम जीवन में धारण करेंगे, उतने हम लोगों को सुख दे पाएंगे, खुशी दे पाएंगे, आनंद दे पाएंगे, और जितना हम लोगों की चाहनाओं को पूरा कर पाएंगे उतना हमको दुआ मिलेगी। दुआ माना क्या है? लिफ्ट। आपको लिफ्ट में चढ़ना, अभी डाइनिंग में जाते हैं, सीढ़ी चढ़ना अच्छा लगता है कि लिफ्ट में चढ़ना अच्छा लगता है? लिफ्ट में चढ़ना, मिनटों में ऊपर चले जाएंगे, सेकंड में, मिनट नहीं सेकंड में, सांस नहीं फूलेगी, तीसरे मंजिल में होंगे, अच्छा लगता है ना। ऐसे ही दुआ माना ब्राह्मण जीवन के लिए लिफ्ट है। तो जितना हम आत्माओं को सुख देंगे सबके जीवन से, उसको खुश करना माना दुआ लेना। दुआ मुंह से बड़बड़ा के नहीं देने का होता है, किसी को भी खुश करना माना दुआ मिल गई, दिल से उद्गार आता है। तो जो भी हम सेवा करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, किसी से संबंध रखते हैं, किसी से बोलते हैं, किसी को कुछ सहयोग करते हैं, दिल से करो तो दुआ मिलेगी। दुनिया में क्या होता है, दिल एक तरफ, दिमाग एक तरफ, भावना एक तरफ, जहां सामने वहां तो कुछ भी नहीं है। दिल एक तरफ, मुंह से बोलते रहेंगे, दिल कहां है कहां है,
भावना किधर है, केवल ऊपर से बोलते रहेंगे, जो सहयोग करेंगे ऊपर ऊपर से करेंगे। तो जैसे दिल, दिमाग और भावना तीनों एक साथ मिला के हम कुछ भी करते हैं ना, तो उससे हमको दुआ मिलती है। तो दुआ से हमारा जीवन बहुत आगे चला जाता है। इसीलिए कल भी बाबा ने कहा, जिसका दिल साफ हो, दिमाग खाली हो। क्या कहा? दिल साफ हो, दिमाग खाली हो, तो वो बाबा के सेवा साथी है, वो सेवा कर सकता है, बाबा उसको यूज करता है, बाबा उसको यूज करता है। तो वो जीवन का वैल्यू है जो बाबा यूज करे सेवा में, है ना। कोई किसी का भाग्य कितना भी, कोई भी कितना भी कुछ करे, लेकिन जो खुद और खुदा को देखता है, अपने मस्ती में है, वो चाहता है हरदम हम ऐसा बने, दिल साफ हो, दिमाग खाली हो, बाबा हमें यूज करे, तो बाबा करेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हमारे भाग्य कोई छीन नहीं सकता, हमारे गुण कोई छीन नहीं सकता, धन छीन ले और कुछ भी छीन ले, जिसको चाहिए छीन ले, लेकिन हमारे अंदर वो जो क्वालिटी होगी ना, है ना, जो विशेषता है, भाग्य है, कोई छीन नहीं सकता। यही क्वालिटी, यही भाग्य। कल बाबा ने कहा तुम्हारा एक चौथाई समय यहाँ लगता है और तुम्हारे जन्म जन्म के भाग्य बनते हैं। थोड़े से समय में हम कई जन्मों का भाग्य बनाते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, बाबा के विशेष रत्न, अभी भी हम जब यहाँ आए तो हमने देखा क्लास थोड़ा खाली खाली था, अभी भरा है। ध्यान किधर है? हम यहाँ क्यों आए? देखना, घूमना, वो तो है ही है, लेकिन क्लास के टाइम क्लास, क्योंकि समय इतना मूल्यवान है। मैंने कहा ना, संगम युग सबके लिए 20 वर्ष नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा समय में हमको बहुत कुछ लेना है। तो अभी जो भी क्लास कराने आएंगे, मुरली तो बाबा के सुनते हैं, जो क्लास कराने हमारी दीदियाँ आती है, उन सबसे अच्छी अच्छी अनुभव की बातें आप सुनेंगे, तो आपके जीवन का वैल्यू बढ़ेगा, जीवन मूल्यवान होंगे। इसीलिए क्लास के टाइम में क्लास, अभी तो भर गया, जब आए थे तो खाली खाली थे, है ना। तो ऐसे यहाँ जब तक रहेंगे, तब तक जो भी बाबा ने निमित्त बनाए हैं, है ना, जो भी ज्ञान रत्न आपको मिलते हैं, इस डायमंड हॉल में डायमंड बनने के लिए, डायमंड को तराशने के लिए आना है। जब तक यहाँ नहीं आएंगे तो कैसे आप में चमक आएगी, ठीक है ना। तो आप सबको हमने बताया मूल्य क्या है, सद्गुण है, जीवन का लक्ष्य सफल, ब्राह्मण जीवन में सफलता कैसे मिलेगी वो भी बताया। इसको आप चिंतन करके बाबा की आशाओं को, बड़ों की आशाओं को आप पूरा करेंगे, आशा का दीप बनेंगे, यही मेरी शुभ भावना है, ठीक है। ओम शांति।